डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के लिए हेरॉन्स फार्मूला। ओके, तो ये हेरॉन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि जब ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया फाइंड आउट करने में बच्चों को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट दी गई है तो बच्चे बड़े आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। बेसिकली बच्चे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3/4a² या साइड स्क्वायर अप्लाई करके भी फाइंड आउट करते हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है व्हेन द फार्मूला इज नॉट क्लियर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की दे दी जाएँ और हाइट ना दी जाए तो तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सो आप एक बार देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट s(s-a)(s-b)(s-c) राइट। ये इसमें हम फुल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी सीबीएसई की वो मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आती हैं। सो दिस फार्मूला गिवन बाई हेरॉन्स फार्मूला, लेटर ऑन इसको पहले कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको हीरोज फार्मूला बोलते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इनका नाम हेरॉन्स करके रखा होगा। ये देखिए हेरॉन्स। ओके, सो बहुत से राइटर्स आज भी अपनी बुक में इसको हीरोज फार्मूला ही लिखते हैं, तो आप इसको लेके कंफ्यूजन में मत आइएगा कि हीरोज एंड हेरॉन्स कोई डिफरेंट पर्सन है। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके लिए तभी जी होता था जब आपके लिए उस ट्राइंगल की बेस और हाइट दे दी गई हो, करेक्ट। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी सी दैट व्हेन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज राइट एंगल, तो आपका ये बेस और ये हाइट हो सकता है, या फिर आप इसको 12 सेंटीमीटर को बेस और 5 सेंटीमीटर को हाइट लेकर के डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हाफ बेस इन्होंने इसमें 12 लिया है और हाइट 5 ली है और कैंसिलेशन करके इन्होंने डायरेक्ट 2 1 2 और 2 6 12 करके 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए एरिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसमें बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कभी हमको एरिया फाइंड आउट करना हो तो हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई जानबूझ के इसमें हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना चाहता है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से वो इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से, तो आप यहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला मैं आगे डिस्कस करूँगा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड्स भी इसकी 10 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड पी आर भी ट्राइंगल पी क्यू आर की 10 सेंटीमीटर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया। अब इन्होंने इसमें क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया कि इन्होंने पी एम परपेंडिकुलर टू द क्यू आर ड्रॉ करके और फिर इन्होंने बाय पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल की क्या फाइंड आउट कर ली, हाइट फाइंड आउट कर ली। तो कैसे फाइंड आउट की, ये देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर और फटाफट इन्होंने वैल्यू पुट कर दी पी क्यू की 10 सेंटीमीटर, क्यू एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब 5 क्यों रखी इसकी वैल्यू, उन्होंने बताया क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्यू एम और एम आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे हो गया, तो मैं उनको ये बता दूं कि दीज टू ट्राइंगल्स पी एम क्यू एंड पी एम आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर बाई आर एच एस से भी कर सकते हैं आप एंड बाई इसको किसी और भी कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, बट सी पी सी टी आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो आपका क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, उसका रीज़न भी क्लियर हो गया। सो दे हैव इन दिस कैलकुलेशन पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 75 एंड दे राइट डायरेक्टली आफ्टर फैक्टराइजेशन द नंबर ऑफ 75, तो इट विल बी 5√3 सेंटीमीटर। तो पी एम इनका हो गया हाइट, दैट इज योर हाइट, और हाइट हो गई आपकी 5√3। दे अप्लाइड द फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एंड सिंपली दे कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड केस में क्या लिया, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, नो प्रॉब्लम, अभी भी हम हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करते चले आ रहे हैं। एंड थर्ड दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ओके, तो
तो आइसोसेलिस ट्राइंगल इन्होंने लिया है एक्स वाई जेड, और इसमें एक्स वाई इज 5 सेंटीमीटर, वाई एक्स जेड ऑल्सो 5. ओके, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट कि वाई पी इज इक्वल टू पी जेड. ये देखिए, फिर इन्होंने आइसोसेलिस ट्राइंगल में ये क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, करेक्ट. और इन्होंने ये 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो ये भी 4 हो जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम, करेक्ट. क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वाई पी और पी जेड है आपका, वो हाफ ऑफ वाई जेड हो जाएगा, और वाई जेड मैंने इसमें प्रिंट आउट नहीं किया है, वाई जेड आपका 8 सेंटीमीटर गिवन में दिया हुआ था, करेक्ट. लीजिए, तो अगेन दे अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल एक्स वाई पी, सो दे फाइंड आउट द एक्स पी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाउ मच, 9, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, तो ये एक्स पी आ गया 3. आप यहाँ ट्राइंगल के लिए एक्स पी है, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, हाइट, तो हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर. नाउ दे अप्लाइड द फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, नो प्रॉब्लम. एंड कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन दे गॉट 24/2, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो लिसन माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ सपोज दैट we know the lengths of the sides of a scalene triangle and not the height. Can you still find its area? For instance, you have a triangular park whose sides are 40 meter, 32 meter, 24 meter, जो मैंने अपनी first slide में दिया था. How will you calculate its area? Definitely, if you want to apply the formula, you will have to calculate its height. First, we do not have a clue to calculate the height. Try doing so. If you are not able to get it, then go to the next section. Okay, so next section क्या होना चाहिए, जब हमारे पास height calculate करने का कोई format ना हो, तो हमें क्या apply करना चाहिए, Heron's formula apply करना चाहिए. Heron's formula is root s s minus a s minus b s minus c. मैं तो सभी बच्चों से कहता हूँ, आज इस formula को देखो और आज रात में try करो कि इस formula को आप भूल जाओ. तो जितने time भूलने के लिए try करोगे, उतने time ये recall होगा, याद आएगा आपको. ओके, सो कभी भूलते भी नहीं है बच्चे इसको. सो एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो एस कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. बट द दिस फार्मूला गिवन बाय द हेरॉन्स, सो हु इज हेरॉन्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द हेरॉन्स ऑल्सो. हेरॉन्स वॉज बॉर्न इन अबाउट 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. ही वर्क इन अप्लाइड मैथमेटिक्स. His work on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in this field. His geometrical works deal largely with the problem of mensuration, written in 3 books. Book 1 deal with the area of a square, rectangle, area of triangle and trapezoids, jisko hum log trapezium kehte hain. Various other specialization, quadrilateral and regular polygon, सर्कल, सरफेसिस ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फियर्स. बट इन दिस बुक हेरॉन्स हैज डेराइव्ड द फेमस फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स 3 साइड्स. सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू हियर कि हमारे यहाँ एक ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी समथिंग करके एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला जनरेट किया था. तो इस पर तमाम तरह की बातें आई कि हेरॉन से पहले ब्रह्मगुप्त ने निकाला था, कि ब्रह्मगुप्त से पहले हेरॉन ने निकाला था. बट आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय द हेरॉन्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन बाय द ब्रह्मगुप्ता. सो लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम इन दिस केस ऑल्सो, कि जब हमको पता चल गया कि हेरॉन्स फार्मूला है क्या, तो एक बार ट्राई करते हैं. इन दिस ट्राइंगल ए बी सी we have only 3 sides of this triangle AB, AC and BC. Okay, but क्या नहीं दिया हुआ है इसमें, इसमें आपको height नहीं दी गई है. तो height अगर आप अपनी तरफ से draw भी करोगे, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये side कितना है. अगर आप इसको x और इसको 40 minus x लेते हो, तो calculation बहुत large हो जाएगा जब तक आप x की value find out करोगे और h निकल के आएगा. तो ये 2 variables में convert हो जाएगा, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी. इसलिए हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, और हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने का जो फर्स्ट स्टेप है, कि पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, s. तीनों साइड्स का सम करेंगे, डिवाइड बाई 2, s आ जाएगा कितना, 48, राइट. अब फार्मूला वेल नॉन है, कि फार्मूला है हेरॉन्स फार्मूला का, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड
एस माइनस सी। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले या बिटवीन द फॉर्मूला भी हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि पहले फाइंड आउट करा दिया एस माइनस ए 48 माइनस 48 सेंटीमीटर, एस माइनस बी 48 माइनस 24 24 सेंटीमीटर, एस माइनस सी 48 माइनस 32 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी आ गया और एस आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कितना 48। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स इन साइड द रूट। तो s कितना है 48, ये देखिए s माइनस ए आपने कितना कैलकुलेट किया अभी अभी 8, s माइनस बी कितना कैलकुलेट किया 24 एंड 8 माइनस सी कितना किया 16। सो फैक्टोराइज एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दीज फोर नंबर्स दैट विल बी हाउ मच 384, करेक्ट। सो वी सी दैट 384 मीटर स्क्वायर, वी सी दैट द 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1024, 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 576 24 का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1600 यानी कि 40 का स्क्वायर। देयरफॉर द साइड्स ऑफ द पार्क मेक ए राइट ट्राइंगल। लो ये और एक अच्छी बात हो गई कि अगर आप 10th क्लास में पहुंचोगे और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये साइड आपको कितनी पता लग जाएगी 40 सेंटीमीटर। कहाँ से आएगी? बाई पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। ओके अब पाइथागोरस थ्योरम से आ गई तो इस हाइपोटेन्यूज का अपोजिट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। अब आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इन्होंने जो बताया है कि हाइपोटेन्यूज एंड द एंगल्स बिटवीन द साइड ए बी एंड ए सी विल बी 90 डिग्री, तो ये किससे आएगा? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। ओके सो नो प्रॉब्लम, क्लास नाइन्थ में आप डायरेक्ट अप्लाई करिए एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर और फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। सो इट वॉज योर एग्जाम्पल नंबर वन, बट लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर वन इन दिस वे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11। देखिए इस ट्राइंगल में दो ही साइड दे रखी हैं एंड पेरीमीटर इज गिवेन। पेरीमीटर गिवेन है, सेमी पेरीमीटर गिवेन नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम है, वो ए बी बी सी और ए सी का सम है। तो आपको क्या करना है, आप किसी एक साइड को एक्स ले लो या ए बी ही रखो और रखने के बाद उस पेरीमीटर में से सम ऑफ द टू साइड्स को माइनस कर दो, थर्ड साइड अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे निकाला उसने, साइड सी निकाला है 32 पेरीमीटर माइनस सम ऑफ द अदर टू साइड्स 8 plus 11, तो कितना आ गया 13। अब आपको अगर ये साइड 13 सेंटीमीटर पता लग गई है तो अब आप इसमें नेचुरली ये हेरोंस फार्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें नहीं लगता है कि आपका ये राइट ट्राइंगल बनेगा। तो सबसे पहले 2s इज इक्वल टू, यानी पेरीमीटर 32 है दैट इज द 2s डिवाइड बाई 216 s आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया s। अब आप निकालिए s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी कितना कितना आएगा 8, 5 and 3। नाउ राइट हियर स्टेटमेंट यूजिंग हेरोंस फार्मूला, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पुट द वैल्यू ऑफ एस 16, एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 3। अब आप मल्टीप्लाई करें इनका या ना करें या फैक्टोराइज करके पेयर बना लें क्लास 8 की तरह, तो आपका 8 जो 64 का 8 बाहर आ जाएगा और अंदर जो विदाउट पेयर नंबर बचेंगे उनका मल्टीपल 30 आएगा, तो आपका एरिया हो जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस के प्रॉपरली आंसर आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। ये देखिए 50 मीटर 80 मीटर 120 मीटर। बस इस क्वेश्चन का एक अच्छा पॉइंट ये है कि इन्होंने जो ये गेट बनाया है यहाँ, ये 3 मीटर विड्थ दे दिया, तो 120 में से अगर 3 मीटर माइनस कर देंगे तो इक्वल पार्ट सेंटर में दिया है तो इक्वल इक्वल पार्ट्स यहाँ पर रिमेनिंग बच के रह जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से निकाल भी सकते हो। देखिए क्या कहा, गार्डनर धानिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, हाउ मच एरिया डस सी नीड टू प्लांट। तो एरिया फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बारबेट वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर लीविंग ए स्पेस 3 meter वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। इस साइड में इन्होंने 3 meter गेट के लिए छोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे,
कि 120 में से आप 3 माइनस कर दीजिएगा, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 127। देन अप्लाई योर फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका हेरोंस फार्मूला से एरिया आ जाएगा, और जब एरिया आ जाएगा तो फिर आप इतने प्लांट्स में, इतने एरिया में प्लांटिंग हो सकती है, और फिर आपको क्या निकालना है, इसका जो फेंसिंग का रेट दिया हुआ है, फेंसिंग के पैसे निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, तीनों साइड्स का सम करेंगे, ए बी 50 रखना है, ए सी 80 रखना है, बट बी सी में से 3 माइनस करके 127 रखना है, इस एरिया में, इस वाले बॉर्डर पे फेंसिंग करना है। तो जो तीनों का सम आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, तब आपका ये फेंसिंग का रेट आएगा, पैसे आएंगे टोटल ₹4,940। याद रखिएगा, सबको करना है, कॉपी में ही करना है, ओके। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट्स आर, देखिए साइड्स अब रेशियो में दे दी गई हैं, एंड इट्स पेरीमीटर इट 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप लेट करेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x, 5x एंड 7x, ये देखिए, ओके। अब सम ऑफ द ऑल साइड्स क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा, तो 3x, 5x, 7x का सम कितना आएगा 15x, दैट इज इक्वल टू 300। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। नाउ एक्स की वैल्यू 20 3 मीटर में दीजिए, 3 × 20, फिर किस में दीजिए 5 × 20, फिर किस में देना है लास्ट 7 × 20, तो आपकी साइड्स क्या आ जाएगी 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। आया कि नहीं? अब आप क्या करेंगे, जैसे ही हेरोंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ द ऑल थ्री साइड डिवाइडेड बाई 2, 150 मीटर आ जाएगा। सो नाउ अप्लाई द फार्मूला, रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, देन पुट द वैल्यू एस 150 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप कहेंगे सर अब की बार आप एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को रूट के अंदर ले रहे, पहले आप पहले कैलकुलेट कर लेते थे। तो एज यू विश, जैसे आपको पहले आसानी लगती है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालने में या रूट के अंदर, यू कैन डू इट, ओके। सो आफ्टर द कैलकुलेशन इट विल बी 150 × 90 × 50 × 10। तो आप इनका स्क्वायर रूट निकालिए फैक्टोराइज करके, पेयर बना करके, या जैसे आपको इजी लगता है कैलकुलेशन में, बस एक रूट थ्री बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1500√3 m². ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन और मैंने लिया है लास्ट, ये शायद आपके एग्जाम्पल में मिल जाएगा। सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए रॉम्बस, ये देखिए रॉम्बस, ओके। सी वॉन्ट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, सी डिवाइडेड द लैंड इंटू टू इक्वल पार्ट। देखिए जैसे ही आप रॉम्बस का ये डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो सानिया के दोनों बच्चों के लिए इक्वल इक्वल एरिया आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे। तो आपने पढ़ा होगा इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे आर इक्वल इन एरिया। अब देखिए इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160, ये देखिए डायगोनल 160 दे दिया उन्होंने और पेरीमीटर इसका 400 है, तो रोम्बस की साइड इक्वल होती है, तो 400 डिवाइडेड बाई 4 तो 100 उसकी साइड आ जाएगी। अब देखिए हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, बताइए कितना एरिया उनके क्रॉप्स के लिए होगा। सो सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर से ईच साइड निकालेंगे तो वो 100 आ जाएगी, करेक्ट, डायगोनल दिया है 160 का, लेकिन पेरीमीटर अगर 400 है तो एस भी आ जाएगा आपका इस ट्राइंगल के लिए, ओके। तो ट्राइंगल बी सी डी का जो एस आएगा 100 + 100 + 160, ये देखिए तीनों साइड यहाँ दे रखी हैं, 180 आ गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी वही सेम हेरोंस फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4800 m² आ जाएगा। तो ईच ऑफ देम हर बच्चे के लिए कितना एरिया मिला 4800, तो 4800 जितना एरिया इधर वाले बच्चे को मिला उतना ही इसको भी मिलेगा। कभी कभी दोनों बच्चों का एरिया पूछ लेते हैं, तो आप दोनों में इसका ट्वाइस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कि जब आप इस पूरी फील्ड के इस डायगोनल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको फिर वही प्रॉब्लम आ गई सामने कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर बाय सीपीसीटी कौन कौन सा, इसको ले लो सपोज आप पी, तो पी डी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा 160 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ये आपका 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। अब ये साइड्स आपकी 100 दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसकी हाइट निकाल लीजिए, करेक्ट, हाइट इसकी कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से 60,
यू हैव टू अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, या बी सी डी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तब भी देखिए इसका एरिया वही आ रहा है 4800 मीटर स्क्वायर जो हेरोन से आया था, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी स्लाइड्स में दिए हैं वो जरूर कर लेने हैं, उससे फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।